हेलो गाइस, यार कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में अपन खेलने वाले हैं डो टूर्नामेंट विथ डेक्स्टर गेमिंग। और यार डेक्स्टर गेमिंग अगर जिसको नहीं पता यार, वो एक टाइम पे इंडिया के टॉप लोकल के नंबर वन पे रह चुका है। तो यार उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए तो यार पहला मैप यहाँ पे हमारा आ चुका था ओवर एंड अंडर। और यार इस मैप में ऐसा था कि पंच मारना ही पड़ता है, और मैंने ही पहले शुरुआत कर दी यार पंच की, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं पहले खा के तो फिर नहीं बोलूँगा कि यार चलो अब मार लेते हैं, तो मैंने ही शुरुआत कर दी भाई। तो अब यहाँ पे यार टूर्नामेंट का कुछ सीन ऐसा था कि यार हमें पॉइंट तभी मिलेगा अगर हमारा कोई भी बंदा फर्स्ट नंबर करेगा। तो अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और उनका जा चुका था। तो यार यहाँ पे हमें घंटा कोई पॉइंट नहीं मिला, खाली हाथ यार वापस आ गए। और यार अब हम उम्मीद कर रहे थे कि यार कोई ऐसा मैप आए कि कड़ाके का यार मुक्के वक्के कम चले, लेकिन यार ये तो ऐसा मैप आ गया जिसमें पक्का मुक्के चलेंगे भाई 100%। और मैंने सोच ही रखा था यार अभी इससे पहले यार ओपोनेंट वाले मारेंगे, हम इधर उधर फेंक देंगे यार ओपोनेंट वालों को। तो यार यहाँ पे मैं लीड ले लेता हूँ, और बस मैं सोच ही रहा था कि यार पंच ना ही पड़े तो बढ़िया है, लेकिन यार मुझे एक बूस्ट मिल जाता है इनकी वजह से ही, जिसकी वजह से पंच का असर इनका होता ही नहीं। और अब यार मुझे ही फर्स्ट नंबर पर क्वालिफाई होना था, क्योंकि यार मैं आगे था तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ की। और डेक्स्टर ने यार पीछे वाले बंदे को संभाल लिया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्री फ्लो हो जाता हूँ कि चलो यार आराम से लेके जाएंगे। और यार ये टूर्नामेंट यार बहुत बड़ा होने वाला था, और मैं बस यही चाहता था कि यार ये मैं टूर्नामेंट जीत जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत जाता तो यार मेरे अगले स्टंबल पास का यार इंतजाम हो जाता, क्योंकि यार अगला स्टंबल पास आने ही वाला है। और अगर मैं मतलब ये टूर्नामेंट जीतता तो फिर कुछ ज़्यादा बढ़िया हो जाता, क्योंकि स्टंबल पास का इंतजाम हो जाता, प्लस हमारे पास और जेम्स भी होते, और सीसी बनने के बाद यार बैक टू बैक टूर्नामेंट आते। पर यार आज तक हमारी और टूर्नामेंट की किसी दोस्ती इतनी कोई खास रही नहीं है, क्योंकि यार कुछ ना कुछ स्कैम ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से मैं टूर्नामेंट में पीछे रह जाता हूँ। पहले मुक्के पड़ जाते थे, फिर मैंने मुक्के मारने चालू कर दिया तो नेट और कुछ ज़मीन के आर पार होने वाली सीन होते रहते हैं। तो यार इन स्कैमों को इग्नोर करते हुए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार यहाँ पर डेक्स्टर आगे चाह चुका होता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं पीछे ही रहूँगा, सेफ खेलता हूँ, और इसको रोकता हूँ पहले ये अपना नारंगी एलियन को, क्योंकि इसको रोकना अभी पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो तो अपना क्वालिफाई कर जाएगा, उसके बाद यार आराम से हमें पॉइंट तो मिलना ही है। तो यार यहाँ पे इजी पॉइंट निकाल लिए हमने, दो पॉइंट हमारे यहाँ पे हो चुके थे और हमें सिर्फ चार पॉइंट चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, और टोटल छः राउंड थे फेस वन में। तो यार मैं सोच ही रहा था कि यार मज़े में खेलेंगे। और यार आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि यार आपका ये टूर्नामेंट कैसा गया। अच्छा गया तो यार बहुत बढ़िया है, कुछ जेम्स मिले, कुछ कमाया या नहीं किया, जैसे मैं यहाँ पे ठुक चुका हूँ यार अपने ही टीममेट द्वारा। यार मेरा यही होता है डुओ टूर्नामेंट में, जब तक अपने मतलब मैं टीममेट से नहीं पिटता ना, मेरा डुओ टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता। अब यहाँ पे यार डेक्स्टर पे आ चुकी थी लीड, लेकिन डेक्स्टर को मुक्का पड़ने के चांसेस थे, पर वो बंदा नहीं मारता, मुझे पता था, क्योंकि वो बंदा हमारे क्लैन का था। अगर वो मारता तो भाई मैं क्लैन से बैन कर देता, तो वो जानता था भाई मुझे कि मैं क्या करूँगा। तो भाई इस बंदे ने नहीं मारा, और यहाँ पे डेक्स्टर थोड़ा जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पॉइंट कमाने का मौका मिल जाता है। और यार यहाँ पे एक और पॉइंट हम अपनी टीम के लिए स्कोर कर लेते हैं। और यार अब वापस आने वाला था हमारा ओवर एंड अंडर, क्योंकि यार यही दो मैप थे जो फेस वन में आने वाले थे जितना मैंने अभी नोटिस किया था। तो यार बैक टू बैक यही मैप आने थे। और यार अगर आप अभी तक वीडियो पे टिके हुए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यार चैनल पर नए हो तो यार चैनल को लाइक नहीं करना होता यार, मैं हर बार के बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार डेली कॉन्टेंट आएगा इधर। अब भले ही राखी आ चुकी है, लेकिन यार कॉन्टेंट नहीं छूटेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। कभी इधर उधर नेट के सीन हो जाते हैं तो छूट जाता है, मानता हूँ, लेकिन ठीक है यार सह लो थोड़ा सा, मैं भी सह लेता हूँ। तो यार यहाँ पे हमारा डेक्स्टर भाई फिर से लीड ले लेता है, और मैं यहाँ पे इसको पंच करने के चक्कर में हड़बड़ाहट कर देता हूँ भाई, क्यों बोलता हूँ मैं, मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है। एक टाइम पे तो मैं ही अपने वॉइस ओवर से तंग हो जाऊँ भाई, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो यार अभी तक का टूर्नामेंट हमारा एकदम ओपी जा रहा होता है, और वापस आ चुका था प्राइवेट पुश, और ये था हमारा आखिरी मैप। यार अगर हम ये भी क्वालिफाई कर चाहते हैं तो वैसे भी कोई पॉइंट बनता नहीं है, बहुत इजीली हम मतलब अगले फेस में जाने वाले थे, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं था कितने बंदे अगले फेस में जाने होते हैं, तो मैं थोड़ा प्रेशर में होता हूँ कि ये भी जीतना ही पड़ेगा, वरना यार फेस वन में बाहर हो गए तो यार क्या ही फ़ायदा है। और यार यहाँ पे मैं फ्लो में यार डेक्स्टर की जड़ देता हूँ, क्योंकि डेक्स्टर पहले बाहर होता है, मुझे लगा कि यार वो अंदर नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ आता ही है, और मैं भाई सीधा मुंह पे बजा देता हूँ बंदे के, भाई दिल से बुरा लगा भाई भाई के लिए। तो यार यहाँ पे ये बंदा मेरे से लीड में जा रहा था, जो कैलो का फेक था वो बीच में रुक जाता है, तो यार हमारे में ही फाइट होती है। और ये मुक्का यार मुझे कैसे लगा, किसी को समझ आया तो यार जाके कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दो, क्योंकि यार मेरे को अभी तक इसकी साइंस नहीं समझ आई यार इस मुक्के ने। लेकिन यार चलो जो भी हो, अभी यहाँ पे ये हमारा जो फेस था ख़त्म हो चुका है, और यार हम नेक्स्ट फेस तक क्वालिफाई कर गए, और बस मतलब वही मैटर करता है हमारे लिए।
बाकी चीज़ तो यार इधर उधर होती रहती है। और यार इस फेस में हमारे दो बहुत चाहिए मैप्स आने वाले थे, लॉस्ट टेंपल और लावा रश। और यार ये दोनों मैप्स ही भाई ओपी है एकदम, मतलब अच्छे खासे ग्राइंड कर रखे हैं इन दोनों मैप पे ही, पर वो अलग बात है कभी कभी हक देते हैं। और यार अगर आपको लग रहा है कि यार गेम प्ले डाउन है तो एक बार पिंक की तरफ भी नज़र डाल लेना, क्योंकि यार यूरोप सर्वर का टूर्नामेंट है, मजाक थोड़ी चल रहा है। हम इंडिया वाले लोग यूरोप पे खेलेंगे तो क्या ही मतलब, सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तुमने भी खेला होगा यार टूर्नामेंट कैसा ही गया होगा, खुद सोचो। प्लस यार इतने मुक्के बजेंगे तो यार क्या ही बोलूँ, ये देख लो एक और मार के चले गए, बेशरम, कुछ शर्म ही नहीं है भाई इन लोगों को। लेकिन यार यहाँ पे डेक्सर ने अच्छी खासी लीड ले ली थी और मैं अपना वही हगावट का सिलसिला कंटिन्यू रख रहा था, क्योंकि यार दोनों में से एक तो हगना चाहिए। अब डेक्सर आगे लीड ले चुका था तो मेरा हगना बनता था, तो मैंने हक तक गया भाई। देख रहे हो बहाना, देख रहे हो नेक्स्ट लेवल बहाना यार, इस बहाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, मतलब रिक्वेस्ट ही समझ लो यार, पर कर दो यार लाइक। अगर कोई मेरे से छोटा है तो यार बड़े भाई की रिक्वेस्ट मान लो, नहीं तो छोटे भाई की मान लो, कोई नहीं मुझे सब चलेगा। वैसे भी रक्षाबंधन है भाई, मान लो चलेगा मेरे को, पर यार ठोको यार लाइक, लाइक तो अपने को चाहिए। तो यार इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे 1000 लाइक्स के लिए। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो डेक्सर गेमिंग के साथ 1v1 का पार्ट 2 हम जल्दी करेंगे। देखते हैं यार, पिछले में तो मैं पिट गया था भाई, वो भी रैंडम की वजह से पिटा था, तो देखते हैं यार इस बार क्या होता है। और फिलहाल के लिए तो यहाँ पे लावा रश आ चुका था और लावा रश में मेरी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है, प्लस पीछे डेक्सर मुक्के मार के भाई बंदे संभाल लेता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा हो जाता हूँ कि बस यार अब जीतते जाना है, क्योंकि यार अब गिर गया ना भाई बहुत गालियाँ पड़ेंगी, तो यार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता और बिल्कुल आराम से जा रहा होता हूँ। पर इतने में यार डेक्सर फुल ऑन जोश में भाई पीछे से आ जाता है और यहाँ पे मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ता है, क्योंकि यार सामने वाली चीज़ मतलब आके बच जाती तो अच्छा नहीं लगता। प्लस यार डेक्सर यहाँ पे मुझे ही बॉडी करने को आ गया भाई, क्योंकि यार अब रूल कुछ ऐसा था कि मतलब कोई भी पहले नंबर पर क्वालिफाई होना है, तो हमारे आपस में कॉम्पिटिशन चालू हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि यार मेरे को भी क्वालिफाई होना था, उसको भी होना था, लेकिन यार वो हो जाता है, पर ठीक है यार अपने को पॉइंट यहाँ से हमें पॉइंट से मतलब था, पॉइंट हमें मिल गया। तो यार यहाँ पे अच्छा खासा ही जा रहा था टूर्नामेंट, पहले में हमें मानता हूँ कि कोई पॉइंट नहीं मिला, लेकिन यार हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। अभी भी हमारे पास पता नहीं कितने मैच थे और हमें सिर्फ कुछ ही जीतने थे, 4 में से यार सिर्फ 3 मैच और जीतने होते हैं। और यहाँ पे लॉस्ट टेंपल वापस आ चुका था और मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि यार पीछे रह जाता तो वैसे भी कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि डेक्सर ऑलरेडी पीछे रह चुका है, तो यार मैं सोचता हूँ कि भाई घुस जाते हैं, छोड़ो ना क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा हारने से तो अच्छा ही है। तो मैं सीधा सीधा यार बिना सोचे समझे घुस जाता हूँ पहली जगह पर, ठुक सकता था मैं मानता हूँ, लेकिन बच गए यार वहाँ पे। तो यार यहाँ पे अब हम बच ही चुके थे, तो यार कोई चांस था नहीं कि अब यहाँ पे हम ठुकें या गिरें, तो यार फुल अपना ये जो मैप था बहुत आराम से हमारा निकल जाता है। और यार यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिल जाता है, तो यार अब हमारे पास सिर्फ 3 मतलब 3 मैप और बचे होते हैं और हमें जीतने होते हैं उनमें से सिर्फ 2, जो कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि यार 2 बार तो लावा रश ही आएगा, तो लावा रश तो अपने लिख के ले लो। तो लावा रश यहाँ पे आ चुका था एक और बार, तो यार यहाँ पे पोजीशन गेम था पूरा और मेरी पोजीशन कोई खास थी नहीं, तो मेरा ये काम बनता था कि मैं डेक्सर को आगे लीड लेने दूं और पीछे वालों को मैं संभालूं। पर यार जैसा मैं सोचता यार वैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि डेक्सर सीधा सीधा मुंह के बल यार नीचे जाके लावा चाट लेता है, तो यार अब मेरा यहाँ पे फिर से एक बार काम बन जाता है कि यार मैं यहाँ पे जीतूं। और पीछे पीछे यार स्कैने चल रहा था और स्कैने यार वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स मैं जिनको जानता हूँ, तो यार स्कैने कभी भी कुछ भी कर सकता था, तो यार मैं सोच रहा था कि भाई हगू ना बस, अब अल्ट्रा लेवल का प्रेशर आ चुका था मेरे पे। पर यार ऐसे भी नहीं हगने वाले थे, क्योंकि यार मैं मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत हक देता हूँ प्रेशर में, लेकिन इस बार नहीं हगेंगे। प्लस यार ये थोड़ा मेरे ख्याल बाहर का बंदा है, इसका भी यूरोप सर्वर जो है मेन सर्वर नहीं था, तभी इसके भी पंच थोड़े लेट लग रहे थे, जिसकी वजह से मैं इसको मुक्का मार देता हूँ। और यार यहाँ पे मेरे पे लीड आ चुकी होती है और यहाँ पे हम क्वालिफाई बहुत प्यार से कर जाते हैं। और यार यहाँ पे अगले मैप का हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर हम कर ही रहे थे कि यार अब लग जाएगा, फिर हम करते ही रह गए यार इंतज़ार थोड़ा सा। मैंने सोचा चलो यार और कर लेते हैं, क्या पता यार थोड़ा इधर उधर हो रहा हो नेट, क्या पता चल जाए। पर यार घंटा नहीं चला, उल्टा वापस और आ गया भाई। तो यार इतने में मैंने जाके अपना वाईफाई चेक किया और मैंने देखा कि यहाँ पे सत्यानाश हो चुका है, तो ठीक है यार वाईफाई में यार एक 4 लाइटें होती हैं, चारों को ग्रीन होना चाहिए, एक ऑरेंज हो चुकी थी, तो मैं समझ गया था यहाँ पे भाई काम ख़राब है। तो यार ऊपर से यार बाहर बारिश भी आ रही थी, तो यार ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था। यार सावन ख़त्म होने को आ गया, अब बारिश आ रही है, पूरे सावन में बारिश नहीं है लेकिन यार अब बारिश को आना है भाई। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, बारिश नॉनसेंस बारिश भाई, क्या ही बोलूँ मैं भाई, मतलब ठीक है यार अभी हम बारिश की बिचिंग करना बंद करते हैं यार और आगे चलते हैं, थोड़ा मतलब ज़िंदगी में भी और गेम प्ले में भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना। तो ठीक है यार यहाँ पे हम शायद ये थोड़ा सा डेक्सर यार नहीं जीत पाता अकेला, यार कोई भी नहीं जीत पाएगा अकेला। तो यार यहाँ पे आ चुका था लावा रश, जीतना अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि यार अगर हम ये हार जाते तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। तो यार मैं सोच रहा था कि यार चलो कोई नहीं ये हम निकाल लेंगे जैसे तैसे, लेकिन
इतने में मैं कुछ रिएक्ट भी कर पाता यार, डेक्स्टर ने ही मुझे बॉडी कर दिया और डेक्स्टर खुद भी पंच खा के साइड हो गया। तो यार यहाँ पे अब कोई चांस नहीं बनता था, प्लस हमारे पास यार इतना अच्छा कोई स्पॉन था नहीं कि हम स्टार्ट अच्छी दे पाए अपने को। तो यार यहाँ पे मेरा तो सत्यानाश हो ही चुका था, मैं सोच रहा था कि चलो कोई नहीं अभी भी हम जीतेंगे, मतलब भाई मैं पूरा पिट जाता हूँ, लेकिन भाई उम्मीद ऐसी होती है कि यार अभी भी जीतेंगे, पता नहीं भाई किस मिट्टी का हूँ मैं अभी। तो यार यहाँ पे डेक्स्टर को मैं देखता हूँ कि डेक्स्टर तो यहीं अभी आराम कर रहा है, रामदेव बाबा आसन चल रहे हैं इधर। तो मैंने सोचा भाई हो गया सत्यानाश अब टूर्नामेंट का, क्योंकि फिर भी मैं यार थोड़ा सा ये देखो भाई डेक्स्टर अभी भी ज़मीन में चला गया। भाई क्या बोलूँ मैं इस बंदे को, भाई क्या चल रहा है ये, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। पर यार 1v1 जरूर करेंगे अगर यार 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो। यार यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी और हम सीधे सीधे यार सबसे बड़े टूर्नामेंट से सबसे बड़े प्लेयर्स बाहर हो चुके थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यार अगर हमारा नेट नहीं जाता तो यार शायद हम जीत सकते थे यार, एक में नेट चला गया एक में बॉडी हो गए यार, इन दोनों में से एक ही जीतते यार हम इन हो जाते। पर यार ठीक है यार थोड़ा सा सेलिंग यार। वैसे यार मेरा ना एक रिकॉर्ड रहा है, मैं बताता हूँ, मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी है बहुत बार यार, जिसके साथ भी मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ ना कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो वो हार जाता है भाई। भाई जॉन है वो भाई इतनी बार 9 से 11 बार फाइनल पहुँचा है, वो भी हार गया था फेस टू में, वो हम दोनों बाहर हो गए थे। एस्ट्रो के साथ खेला वो भी बाहर हो गया भाई, मतलब अब मुझे भाई कोई बोलना मैं डुओ टूर्नामेंट खेलने के लिए वरना पक्का हारोगे भाई, मेरा तो मनूस है ही भाई, नसीब इनका भी हो जाता है साथ साथ। तो यार ठीक है यार, अब जब तक कोई अल्ट्रा नसीब वाला बंदा नहीं आता तब तक तो नहीं जीत सकते। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पर हम एम करते हैं पूरे के पूरे 1K लाइक्स के लिए, तो यार करा देना। और हैप्पी रक्षाबंधन यार, जितने भी बहन है भाई है सब रख लो भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।